हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू केमिकल इक्विलिब्रियम इक्लिबियम अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज लेवल वन की क्वेश्चन इलेवन टू ट्वेल्व सॉरी इलेवन टू ट्वेंटी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन इलेवन अटेंडमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम ए गैस टू टू सी गैस प्लस बी गैस गेव द फॉलोइंग ग्राफ फाइंड द करेक्ट ऑप्शन परसेंट डिसोसिएशन जो होगा फ्रैक्शन डिसोसिएटेड इन टू हंड्रेड होगा तो फाइव सेकंडस पर इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड तो के सी की वैल्यू पूछी गई है ए का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ तो, तो केसी के तो सी यदि अपने को निकालना है तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम के सी जो हो जाएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम तो कंसनट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम हमारे पास में यहाँ पर फोर दी गई है फोर का स्क्वायर कंसनट्रेशन ऑफ बी जो दी गई है वो टू और कंसनट्रेशन ऑफ ए हमारे पास दिया गया एट तो यहाँ पर फोर इंटू फोर इंटू टू बाई एट तो ये हो जाएगा कितना फोर ठीक है तो एट इक्विलिब्रियम कैसे की वैल्यू फोर होगी तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है इसके बाद में इक्विलिब्रियम पर एक की कंसंट्रेशन कितनी डिसोसिएट हुई इनिशियली टेन थी और हमारे पास एट बाद में हो चुकी है तो परसेंट डिसोसिएशन परसेंट डिसोसिएशन ऑफ ए अपन यदि देखें तो पहले टेन थी उसमें से एट बची है अपॉन इनिशियल इंटू हंड्रेड तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है ट्वेल्व यूजिंग मोलर कंसेंट्रेशन द यूनिट ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन तो के सी की जो रिएक्शन होगी या यूनिट होती है वो हमारे पास मोलरिटी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी ये कंसेंट्रेशन अपन लेंगे तो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए देखें तो प्रोडक्ट में स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन वन प्लस टू वन प्लस टू माइनस वन तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी टू तो हमारे पास मोलरिटी मोल पर लीटर की पावर टू यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के पी फोर द रिएक्शन तो के पी में हमारे पास में यही बात होगी कि ऐसे रिएक्शन दी गई है तो ए टी एम की पावर डेल्टा एन जी अब हमारे पास डेल्टा एन जी यदि यहाँ पर निकालना है तो स्टेक्यूमेट्री कोफिशियंट थ्री माइनस यहाँ पर फोर प्लस वन फाइव यानी ये हो जाएगा माइनस टू तो ए टी एम की पावर माइनस टू तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फोर्टीन व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन तो हमारे पास के सी यदि आप निकालेंगे तो अपन प्योर सॉलिड का एक्टिव मास जो है वो वन कंसिडर करके चलते हैं तो यहाँ पर वन हो जाएगा कंस एक्सप्रेशन में अपॉन पी फोर की कंसनट्रेशन भी वन हो जाएगी और ओ टू की कंसनट्रेशन गेसेस में लेंगे और इसकी पावर फाइव तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फिफ्टींथ एट फाइव टू सेवन डिग्री सेंटीग्रेड द रिएक्शन गिवन बिलो हैज के सी फोर इसके लिए के सी की वैल्यू हमारे पास फोर दी गई है तो व्हाट इज़ द के पी फोर द रिएक्शन तो इस रिएक्शन के लिए के पी निकालना है बट इस रिएक्शन के लिए के सी क्या होगा ये पता करना जरूरी है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि यदि ये रिएक्शन हमारे पास दी गई है इस रिएक्शन को अपन टू से मल्टीप्लाई करके फिर इसको रिवर्स कर दें तो यदि अपन इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हमारे पास टू से मल्टीप्लाई करने पर टू एन एच थ्री कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर एन टू प्लस थ्री एच टू में तो यहाँ पर जो नया के सी डैस आएगा वो हमारे पास फ़ोर की पावर क्या जाएगा टू जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला जाता है इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे यानी एन टू प्लस थ्री एच टू ये क्या बना रहा है ये बना रहा है टू एन एच थ्री तो यहाँ पर के सी डबल डैश जो हो जाएगा वो हमारे पास वन अपॉन हो जाएगा वन अपॉन फोर का स्क्वायर तो यहाँ पर जो के सी डबल डैश की जो वैल्यू है वन वन अपॉन फोर स्क्वायर आ रहा है तो के पी की फॉर्मूला अपन यूज़ करें तो के पी हमारे पास के सी आर टी की पावर डेल्टा एनजी होता है और यहाँ पर डेल्टा एनजी की यदि अपन बात करें तो टू माइनस फोर माइनस टू दिया गया तो के पी यदि अपने निकालना है तो के सी यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो के सी डबल डैश वाला यूज़ किया जाएगा यानी वन अपॉन फोर का स्क्वायर आर टेम्परेचर फाइव टू सेवन दिया गया तो इसको फाइव टू सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री तो ये हो जाएगा एट हंड्रेड कैलविन तो ये एट हंड्रेड हो जाएगा माइनस टू यहाँ पर दिया हुआ ही तो वन अपॉन फोर इन टू एट हंड्रेड आर की पावर टू ये के पी की वैल्यू हो जाएगी तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है सिक्सटीनथ इसमें हमें क्या बोला गया है द equilibrium constant फॉर द रिएक्शन एन टू प्लस ओ टू टू एन ओ एट टेम्परेचर टी इज़ गिवन फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर ये हमारे पास इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी गई है द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन तो इस रिएक्शन के लिए के सी हमारे पास में गया हुआ है तो इस रिएक्शन को अपन क्या करें पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हाफ से यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एन टू गैस प्लस हाफ ओ टू गैस ये हमारे पास हो जाएगा एन NO. ओ तो इसके लिए जो नया के सी डैस होगा वो उसका क्या वैल्यू होगी फोर इंटू ट्वेंटी दावर माइनस फोर की पावर हाफ़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाफ से अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो ये टू इंटू ट्वेंटी द पावर माइनस टू होगा अब इस रिएक्शन को इस जैसा बनाना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे तो एन ओ गैस हमारे पास हो जाएगा हाफ एन टू गैस प्लस हाफ ओ टू गैस तो यहाँ पर जो के सी डबल डैश है वो वन अपॉन टू इंटू टेन टू द माइनस टू यानी हंड्रेड बाई टू यह हो जाएगा फिफ्टी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है सेवेंटी द इक्बियम कॉन्स्टेंट के सी फॉर द फॉलोविंग रिएक्शन एट एट फोर टू डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन वाट इज के पी एट सेम टेम्परेचर तो सेम टेम्परेचर है तो Kp के पी की वैल्यू हमारे पास होती है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी तो यहाँ पर डेल्टा एनर्जी यदि अपने को निकालना है तो प्रोडक्ट साइड में वन मोल है माइनस हाफ़ ये हाफ हो जाएगा ठीक है तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं के सी की वैल्यू जो दी गई है दैट इज़ सेवन पॉइंट नाइन जीरो इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ठीक है आर की वैल्यू हमारे पास जीरो पॉइंट ज़ीरो एट टू टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास एट फोर टू में टू सेवेंटी थ्री अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास वन 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 फाइव कैलविन टेम्परेचर आ जाएगा इसकी पावर वन बाई टू अपन रख देते हैं तो अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये नियरली सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू के बराबर आएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एटीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के पी फोर द फॉलोइंग रिएक्शन एट वन नाइन वन डिग्री सेंटीग्रेड इज़ वन टू वन के सी की वैल्यू निकालनी है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी अब डेल्टा एन जी यहाँ पर अपने को निकालना है तो ये वन माइनस वन सॉरी वन माइनस थ्री बाई टू होगा क्योंकि ये गैसेज है सॉलिड वाला कंपोनेंट अपन लेंगे नहीं तो वन माइनस थ्री बाई टू का मतलब माइनस वन बाई टू ठीक है अब यहाँ पर अपने को क्या निकालना है के सी निकालना है तो हमारे पास के सी जो हो जाता है वो हो जाता है के पी आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन तो के पी हमारे पास यहाँ पर 1.24 दिया गया आर की वैल्यू 0.082 पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास 191 दिया गया तो 191 में 273 अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास 464 आ जाएगा इसकी पावर माइनस डेल्टा एन जी अपन माइनस हाफ रख देंगे तो हमारे पास 1.24 0.082 टू पॉइंट की पावर 1 बाई टू तो इसको सॉल्व करोगी तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है ये नियरली 7.6 के बराबर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है नाइनटीन फोर द एक्लिब्रियम वाट इज़ द टेम्परेचर एट विच के पी अपॉन के सी तो के पी हमारे पास यहाँ पर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है अब यहाँ पर डेल्टा एनजी की वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो टू माइनस वन वन है तो डेल्टा एन जी तो वन है तो, तो, तो सिंपली अपने को ये देखना है कि के पी अपॉन के सी आर टी की पावर वन दिया हुआ है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो नियरली थ्री के बराबर हो तो अपने को टेम्परेचर पूछा गया है तो टेम्परेचर कितना हो सकता है तो अपन यहाँ पर देखें तो ये अराउंड आर जो होता है ये वन बाई ट्वेल्व होता है इन टू टेम्परेचर ये थ्री के बराबर है तो टेम्परेचर जो है वो भी थर्टी सिक्स के अराउंड आ रहा होगा तो यहाँ पर हमारे पास थर्टी सिक्स के नियर कौन सी वैल्यू आ रही है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर द रिवर्जेबल रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एस टू टू एन एस थ्री बना रहा है एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू ऑफ के पी हमारे पास दिया हुआ है वैन पार्सल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमोसफेयर द कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ के सी विद कंसनट्रेशन इन मोल पर लीटर इज तो यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू अपन देखें तो टू माइनस फोर माइनस टू है तो अपने पास के पी इज क्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी ठीक है तो के सी की वैल्यू अपने को निकालनी है तो वही के पी आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी ठीक है तो के पी की वैल्यू अपने आपने आपने पास है 1.44 पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव आर की वैल्यू अपन देखें तो हमारे पास आर की आर टी के सी की वैल्यू अपने को पूछी गई है तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी कितनी हो सकती है आर टी की पावर आर तो हमारे पास 0.082 है टेम्परेचर हमारे पास 500 प्लस टू थ्री यानी सेवन सेवन थ्री माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू है माइनस टू तो इसको अपन लिख सकते हैं वन पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव ये पूरा डिनोमीटर में ले जाएं जीरो पॉइंट जीरो एट टू इंटू सेवन सेवन थ्री के पावर माइनस टू तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है हमारे पास ऑप्शन डी इससे मैच कर रहा है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर